एक्ट्रेस सनी लियोनी हाल ही में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। जी हाँ, सनी लियोनी ने बताया कि किसी ने उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके धनी ऐप से 2,000 रुपये का लोन लिया है। एक्ट्रेस ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी, हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने वे ट्वीट डिलीट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी लियोनी ने ट्वीट किया था कि किसी इडियट ने उनका पैन कार्ड इस्तेमाल करके 2,000 रुपये का लोन लिया है। सनी ने यह भी बताया कि इस मामले में उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सनी ने बताया था कि जानकारी के बिना उनके पैन कार्ड की मदद से लोन लेने पर उनका CIBIL स्कोर काफ़ी गिर गया। लेकिन इसके बाद सनी लियोनी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंडिया बुल सिक्योरिटीज़ को मदद के लिए धन्यवाद कहा। सनी ने ट्वीट में लिखा, मुझे पता है कि आप उन सभी लोगों का ध्यान रखेंगे जिन्हें भविष्य में इससे बचने की ज़रूरत पड़ेगी। एक खराब सिविल से कोई डील नहीं करना चाहता। मेरा इशारा मेरे पिछले पोस्ट की तरफ है। बता दें कि बीते कुछ वक्त में कई लोगों ने इंडिया बुल्स के प्लेटफॉर्म धनी ऐप पर लोन की ठगी को लेकर शिकायत की है। सनी लियोनी के ट्वीट के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया कि उनके पास लोन के लिए कुछ एजेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं। सनी लियोनी से पहले शबाना आजमी और अमृता राव जैसे एक्ट्रेसेस भी अलग अलग माध्यम से ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने अन्य लोगों के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देते हैं। कुछ ऐसे ऐप्स भी जो आपकी डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स को हमारे ही जरिए एक्सेस कर लेते हैं और हमें उनकी जानकारी नहीं होती। इसीलिए आप भी इस तरह की ठगी से सतर्क रहें।